देश की सबसे ताकतवर हस्ती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजनीति की दुनिया से अलग देश में दूसरा सबसे ताकतवर शख्स कौन है? उस शख्स का नाम है मोहन भागवत। दरअसल मोहन भागवत का चेहरा मीडिया के कैमरों पर कभी कभार ही चमकता है, लेकिन वो देश के उस सबसे बड़े संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को चलाते हैं, जिसकी राजनीतिक विंग भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार है। भागवत और उनका आरएसएस यूं तो जाहिरी तौर पर राजनीतिक गतिविधियों से परहेज करता है, लेकिन नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने और बीजेपी को 2014 में चुनावी जंग जिताने में पर्दे के पीछे से संघ का सबसे अहम योगदान रहा। लेकिन संघ की सिर्फ इतनी ही कहानी नहीं है, बल्कि उसका 92 साल का एक लंबा संघर्ष भरा इतिहास रहा है। वो इतिहास जिसमें इनाम है तो कई इल्जाम भी दर्ज है। व्यक्ति विशेष में आज हम संघ के इतिहास की पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले फटाफट एक नजर में देख लीजिए आखिर क्या है संघ का विचार और कैसा है संघ का किरदार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा संगठन माना जाता है। इससे करीब 3 दर्जन छोटे बड़े संगठन भी जुड़े हुए हैं, जिन्हें संघ परिवार कहा जाता है। देश के सबसे बड़े ट्रेड यूनियन में से एक भारतीय मजदूर संघ, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, सरस्वती शिशु मंदिर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय किसान संघ, विद्या भारती, सेवा भारती और देश की शासक पार्टी बीजेपी समेत संघ के करीब 35 संगठन हैं, जिनका दायरा पूरे देश में फैला हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना केशव बलिराम हेडगेवार ने 1925 में दशहरे के दिन की थी। ये वो वक्त था जब ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ महात्मा गांधी का अहिंसक आंदोलन तेज हो रहा था। इस दौर में कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद किए हुए थी, जिसे पहली बार हिंदू राष्ट्रवाद से उस वक्त चुनौती मिली जब नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 1925 में गठन हुआ। आरएसएस का नाम दुनिया में पहली बार उस वक्त सुर्खियों में आया था जब कथित रूप से नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। हालांकि 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान संघ की भूमिका से प्रभावित होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने 1963 की गणतंत्र दिवस परेड में संघ को शामिल होने का न्योता दिया था। आरएसएस का मुख्यालय महाराष्ट्र के नागपुर में है और इसके प्रमुख सरसंचालक मोहन भागवत देश के उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्हें Z+ सुरक्षा दी गई है। भारत को विश्व गुरु और हिंदू राष्ट्र बनाना और हिंदुओं को संगठित करना संघ का मुख्य एजेंडा माना जाता है। दरअसल आजादी से पहले ही संघ ने देश में हिंदू राष्ट्र और उग्र हिंदुत्व के विचारों का प्रचार तेज कर दिया था। आरएसएस और उससे जुड़े संगठन पूरे देश में शिक्षा, जन कल्याण और हिंदू धर्म से जुड़े कार्यक्रमों समेत कई क्षेत्रों में हजारों प्रोजेक्ट चलाते हैं। संघ परिवार के इन सारे कार्यक्रमों और उद्देश्यों के लिए दिशा निर्देश देना और उनका वैचारिक मार्गदर्शन करने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक का होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे शक्तिशाली और संगठित एक संगठन है, इसलिए लोगों को डर लगता है इससे कि एक नई ताकत देश के अंदर उभरी है, इसलिए इसका विरोध करते हैं। और विरोध वो लोग करते हैं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए कुछ नहीं किया, केवल अंग्रेज़ों की योजना से काम करते रहे। आज संघ एक बहुत बड़ा, यानी संघ की 70 तो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसी पूरी एक विराट स्वरूप के साथ संघ सामने आया है और लोगों को अपनी एग्जिस्टेंस का खतरा हो गया है, इसलिए डरते हैं लोग। दी हिंदू धर्म के विरोधी विचारधारा है और राष्ट्र विरोधी विचारधारा है। हिंदू धर्म में जो परिकल्पना है वो वसुधैव कुटुंबकम की है कि सारी पृथ्वी, सारा विश्व हमारा कुटुंब है, सब परिवार है, परिवार में सब का स्वागत होता है। इनकी विचारधारा है कि भारत हिंदू राष्ट्र है, यहाँ पर दूसरे लोगों की जगह नहीं है, मुसलमानों की, क्रिश्चियंस की, उनकी कोई जगह नहीं है। तो ये जो राष्ट्र, ये जो विचारधारा है, ये जो उस वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा के बिल्कुल खिलाफ है, बिल्कुल विरोध में है। और राष्ट्र को इस तरह से विभाजित करके, वो जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो अंग्रेजों ने चलाए थे, विभाजित करके वे यहाँ पर शासन करना चाहते हैं। कोई कहता है कि ये तो सिर्फ हिंदुओं का संघ है, कोई इसे मुसलमानों के खिलाफ बताता है, और कुछ तो यह भी कह देते हैं कि संघ धर्म निरपेक्ष भारत के ही खिलाफ है। तो आखिर संघ का सच क्या है,
इस बात की गहराई में भी हम उतरेंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि इन दिनों क्यों संघ को लेकर देश का राजनीतिक तापमान चढ़ा हुआ है। आरएसएस का ये वही निमंत्रण पत्र है जिसमें पूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे प्रणब मुखर्जी को न्योता दिया गया है। दरअसल महाराष्ट्र के नागपुर में संघ के शिक्षा वर्ग का 25 दिनों से कार्यक्रम चल रहा है जिसमें देश भर से आए संघ के 700 स्वयं सेवकों ने हिस्सा लिया है। 7 जून को शिक्षा वर्ग के इस कार्यक्रम का समापन होना है। संघ का ये एक बेहद अहम कार्यक्रम है जिसमें शामिल होने के लिए प्रणब मुखर्जी को न्योता दिया गया था जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। नागपुर के रेशमी बाग मैदान पर आयोजित होने वाले संघ के तृतीय वर्ष शिक्षा वर्ग समापन समारोह में प्रणब मुखर्जी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद होंगे और न सिर्फ स्वयं सेवकों के पासिंग आउट कार्यक्रम का अहम हिस्सा बनेंगे बल्कि स्वयं सेवकों के सामने अपने विचार भी रखेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान मंच पर प्रणब मुखर्जी के साथ सरसंघ चालक मोहन भागवत और संघ के बड़े लीडर भी मौजूद होंगे। नागपुर की एक अहम पहचान है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय। इस मुख्यालय से निकलते नीति और वचन देश की राजनीति और सामाजिक जीवन पर अपना एक अलग प्रभाव डालते आए हैं और इसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय से न्योता गया है 7 जून के कार्यक्रम के लिए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को। हालांकि संघ का कहना है कि उन्हें कांग्रेस के नेता के बतौर नहीं लेकिन पूर्व राष्ट्रपति के हैसियत से बुलाया गया है, लेकिन ये बात बहुत अहम है कि अगर भाजपा ने अपना लक्ष्य कहीं लॉन्ग टर्म में फोकस किया हुआ है तो उत्तर प्रदेश के बाद में वो रहा है केरल और बंगाल। ऐसे में बंगाल के इस सुपुत्र को अगर सीधा संघ अपने कार्यक्रम में बुला लेता है तो जाहिर है कि बंगाल के सामान्य जनता के साथ में ये संघ विचारधारा और भाजपा दोनों के लिए एक बहुत बड़ा विजय साबित हो सकता है। गौरतलब है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी लंबे समय तक भारतीय राजनीति में कांग्रेस की विचारधारा का प्रमुख चेहरा रहे हैं और इसीलिए संघ के कार्यक्रम में जाने के उनके फैसले के बाद से ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच तलवारें खींची हैं। प्रणब दादा की मंशा के हिसाब से आरएसएस से ज्यादा घटिया और गंदी संस्था कोई हिंदुस्तान में नहीं है। उन्होंने उसकी लोगों में नैतिकता नहीं है इस बारे में कहा, उसके अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में कहा, झूठ तंत्र के बारे में कहा, सांप्रदायिक उसको बताया, उसको गैर राष्ट्रीय एंटी नेशनल अनपेट्रियोटिक बताया। ये सब तमाम भावनाएं तमाम उन कमरों में चर्चा होती थी और आरएसएस से ज़्यादा इस देश के लिए खतरनाक संस्था नहीं बताई। और उनका तो मत था जो हम लोगों को लगता था कि इस संस्था को उठाकर हिंदुस्तान से बाहर कूड़े में फेंक देना चाहिए, ये एक भावनाएं थी। अब ऐसे व्यक्ति को आरएसएस ने बुलाया है तो क्या आप उनके इन विचारों का सम्मान करते हैं? हो सकता है वो वहां जाकर उनको बताना चाहें आरएसएस के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। आरएसएस के कार्यक्रम में किसको बुलाना और किसने जाना, ये बुलाने वालों का और जाने वालों का अधिकार है। मैं ये मानता हूँ कि पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी ये लोकतंत्र में अच्छी बात नहीं है। हम एक दूसरे से मिलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, उनके विचारों का सम्मान करना चाहिए। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को लेकर ये विवाद इसलिए भी उठा है कि जिस आरएसएस को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सवाल उठाते रहे हैं और जिस संघ की विचारधारा को लेकर कांग्रेस उसे बरसों से कोसती रही है, उसके कार्यक्रम में प्रणब मुखर्जी आखिर क्यों जा रहे हैं। दरअसल वो प्रणब मुखर्जी ही थे जिन्होंने साल 2010 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में राजनीतिक प्रस्ताव रखकर यूपीए सरकार से उस समय के कुछ केस में संघ और उससे जुड़े संगठनों के आतंकवादियों से कनेक्शन की जांच की मांग की थी। भारतीय राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले प्रणब मुखर्जी ने 45 साल का अपना राजनीतिक सफर कांग्रेस में ही तय किया है और वो कांग्रेस की सरकारों में वित्त मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक जैसे ऊंचे ओहदों पर भी रह चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बेहद करीब रहे प्रणब मुखर्जी अपने पूरे करियर में कांग्रेस की सत्ता में नंबर 2 की हैसियत तक ही पहुंच सके। दरअसल उनकी किस्मत ने उन्हें बार बार धोखा दिया। साल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री बनने की प्रणब मुखर्जी की तमन्ना को किस्मत का साथ नहीं मिल सका और साल 2004 में यूपीए की पहली पारी में सोनिया गांधी का।
2004 में जब सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री का पद ठुकराया तो प्रणब मुखर्जी इस बार भी इस पद से एक कदम दूर ही रह गए। कहा गया कि मनमोहन पर सोनिया ने 110% भरोसा किया और प्रणब मुखर्जी पर 90%। 2004 में सोनिया गांधी ने जब प्रणब मुखर्जी जैसे मंझे राजनेता पर मनमोहन सिंह जैसे गैर राजनीतिक शख्स को प्रधानमंत्री के पद के लिए तरजीह दी तो इसी के साथ कभी मनमोहन सिंह के बॉस रहे प्रणब मुखर्जी उनके मातहत आ गए। दरअसल 1982 में जब प्रणब मुखर्जी इंदिरा गांधी की सरकार में वित्त मंत्री थे तब रिजर्व बैंक के गवर्नर के तौर पर मनमोहन सिंह ने उनके अधीन काम किया था। बावजूद इसके प्रणब मुखर्जी ने पद की गरिमा की लक्ष्मण रेखा कभी नहीं लांघी। प्रणब मुखर्जी की किस्मत ने खूब पलटियां भी मारी। साल 2012 में वो देश के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति के ओहदे तक भी पहुंचे और इस पद पर 2017 तक बने रहे। जाहिर है राष्ट्रपति बनने से पहले प्रणब मुखर्जी की छवि एक कट्टर कांग्रेसी की थी और इसीलिए संघ के कार्यक्रम में उनके जाने को लेकर कांग्रेस नेताओं की त्योरियां चढ़ी हुई हैं। Well, now that he has accepted the invitation, there's no point debating why he accepted it. Which means you would not have. No. The more important thing to say is, sir, you have accepted the invitation. Please go there and tell them what is wrong with their ideology. आखिर क्यों कांग्रेस संघ के खिलाफ है? क्या बेदाग है संघ का इतिहास? इन सवालों के जवाब भी हम ढूंढेंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में ये 10 रोचक बातें। 1925 में संघ की स्थापना के दिन संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार ने अपने घर पर 12 स्वयंसेवकों को संबोधित किया था। संघ की पहली शाखा में सिर्फ 5 लोग शामिल हुए थे, लेकिन आज संघ की 60,000 से ज्यादा शाखाएं देश भर में चल रही हैं। संघ की पहली शाखा नागपुर में लगी थी, लेकिन धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र में संघ का दायरा बढ़ा। उत्तर प्रदेश के बनारस में BHU के संस्थापक मदन मोहन मालवीय से हेडगेवार ने मुलाकात की थी, जिसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के परिसर में भी संघ का कार्यालय खोल दिया गया था और फिर संघ पूरे देश में फैलता चला गया। संघ में स्वयंसेवकों की दिन की क्लास शाखा के रूप में लगती है। आज देश में 37,190 स्थानों पर RSS की शाखाएं संचालित होती हैं। नागालैंड, मिजोरम और कश्मीर के कुछ पॉकेट को छोड़कर देश के लगभग 95% भूभाग पर संघ की मौजूदगी है। पूरे देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लगभग 60,00,000 सदस्य हैं। RSS के सदस्य को स्वयंसेवक और उसकी विचारधारा का प्रचार करने वाले को प्रचारक कहा जाता है, जो जिंदगी भर अपना घर और परिवार छोड़कर देश भर में घूमकर संघ का प्रचार करता है। संघ का प्रचारक बनने के लिए किसी भी स्वयंसेवक को 3 साल तक OTC यानी ऑफिसर ट्रेनिंग कैंप में भाग लेना होता है और शाखा प्रमुख बनने के लिए 7 से 15 दिन तक ITC यानी इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग कैंप में भाग लेना होता है। RSS के प्रचारक को संघ के लिए काम करते वक्त अविवाहित रहना होता है, लेकिन संघ में विस्तारक भी होते हैं जो शादीशुदा जिंदगी गुजारते हुए संघ के लिए काम करते हैं। खास बात यह है कि स्वयं सेवक अपने कपड़े धोने, खाना बनाने जैसे ज्यादातर काम खुद ही करते हैं। RSS में सिर्फ पुरुष ही शामिल हो सकते हैं। महिलाओं के लिए राष्ट्र सेवा समिति है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और राष्ट्र सेविका समिति दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के विचार एक हैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। संघ की स्थापना के 15 साल बाद से इसकी शाखाओं में नमस्ते सदा वत्सले प्रार्थना गाई जाती है। संघ की शाखा में जो भगवा झंडा फहराया जाता है उसे RSS अपना गुरु मानती है, किसी व्यक्ति को नहीं। संघ के स्वयंसेवक की एक खास ड्रेस होती है। स्वयंसेवक काली टोपी, सफेद शर्ट, खाकी निकर, कपड़े का बेल्ट और चमड़े के जूते पहनते हैं। अहम बात यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और PM नरेंद्र मोदी संघ के प्रचारक रहे हैं। RSS दुनिया के 40 देशों में है। विदेश में संघ की पहली शाखा केन्या के मोम्बासा में लगी थी। साल 2014 में केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद से संघ की शाखाओं में 30% का इजाफा हुआ है। 2014 में 29,614 स्थानों पर संघ की 44,982 शाखाएं लगती थी और देश की 95% आबादी में संघ का संगठन फैल चुका है। जो आप जानते हैं शाखाओं में वो सुबह उठ करके जाते हैं, जहाँ पर उनको एक खास किस्म का, जिसको वो इतिहास कहते हैं, हालांकि इतिहास से इसका कोई लेना देना हो नहीं होता, वो इतिहास यही होता है कि कैसे मुसलमान हमारे दुश्मन हैं, उन्होंने बहुत जुल्म किया है, क्रिश्चियन हमारे दुश्मन हैं, यही इतिहास होता है उनका ले दे करके। तो
तो ये वो बड़ी मेहनत से वो इसको प्रचार करते रहे पिछले 90-12 साल से, और बच्चों से शिशुओं को वो तैयार करते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं शिशु, जब 25-30 साल के हो जाते हैं, 40 साल के हो जाते हैं, तो वो इतने कट्टर हो जाते हैं, हो चुके होते हैं कि वो इनके नेताओं के, संघ के नेताओं के कहने पर कुछ भी करने को तैयार होते हैं। इसका भी एक मॉडल है जो कि हिटलर ने बनाया था। लोगों ने ये मान रखा है कि संघ हिंदुस्तान के मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, वो दुनिया भर के इस्लाम के ख़िलाफ़ है, इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि वो मनुष्य मनुष्य में भेद नहीं करते हैं, हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई और बौद्ध सब एक हैं, वो लोग भी संघ का विरोध करते हैं, क्योंकि उनके मन में ये धारणा बनी हुई है कि संघ मुसलमान विरोधी है। संघ के विरोध का एक कारण यह भी है कि लोग ये समझते हैं कि संघ हिटलर और मुसोलिनी के बड़े प्रशंसकों में से है, और वो लोग क्योंकि तानाशाही तरह की सरकार चलाते थे, तो हम क्योंकि लोकतांत्रिक हैं इसलिए वो कहते हैं कि हम संघ का विरोध करते हैं। आज संघ के दो स्वयंसेवक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, देश के दो सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए हैं। कामयाबी के इस शिखर तक पहुंचने की संघ की ये कहानी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले बात उस इतिहास की जिसे लेकर विरोधी संघ पर करते हैं आरोपों की बौछार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने उतार चढ़ाव भरी सफर में केशव बलिराम हेडगेवार से लेकर सर संघचालक मोहन भागवत तक संघर्ष का एक लंबा दौर देखा है। हेडगेवार के बाद माधव सदाशिव राव गोलवारकर, बाबा साहेब देवरस, राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया, कृपाहल्ली सीतारमैया सुदर्शन संघ के सर संघचालक रहे हैं। पिछले करीब 92 सालों से वक्त के साथ संघ के सर संघचालक भी बदलते रहे हैं, लेकिन ना कभी संघ का उद्देश्य और उसकी विचारधारा बदली, और ना ही बदला उसके काम करने का अंदाज। विचारधारा से तो उसमें तो कोई परिवर्तन हो नहीं सकता, लेकिन विचारधारा के तौर तरीके इन सब के अंदर समय के साथ साथ परिवर्तन हुआ है और संघ ने किया है। आज संघ के इन दिनों में भी 66 स्थानों के ऊपर संघ शिक्षा वर्ग लगे हुए हैं, जिसमें एक की एवरेज 250 है। ये सब लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो ये धीरे धीरे परिवर्तन करके संघ इससे पहुँचा है। अगर संघ परिवर्तनशील ना होता तो ना विद्यार्थी परिषद बनता, ना जनसंघ बनती, ना भाजपा बनती, ना विश्व हिंदू परिषद बनती, ना मजदूर संघ बनता। ये जो अन्य क्षेत्र सामने आए हैं, ये संघ की कार्यपद्धति या संघ के सिस्टम में वक्त के अनुसार परिवर्तन के साथ ही आए हैं, क्योंकि बुनियाद ही इसी पर है कि राष्ट्र वो नहीं है जिसमें सब के सब शामिल हों, राष्ट्र वही है जिसमें सिर्फ हिंदुओं को अधिकार हो। एम एस गोलवालकर ने तो लिखा है कि अपने वी द नेशन डिफाइंड में, जो कि सब संघियों को पढ़ाया जाता है, कि मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, उनको अधिकार, ये उनको यहाँ जिंदा रहें इतने काफ़ी हैं, उनको और कोई अधिकारों से वंचित कर देना चाहिए। तो जिसका ये विचारधारा हो, वो कैसे बदलेगा अपनी विचारधारा को, जो 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 डेमोक्रेसी की एक एक डिमांड है कि अपने आप को बदलते रहो, हर वक्त व्यवस्था अवस्थाओं के मुताबिक बदलते रहो, वो नहीं कर सकते। 1948 वो साल है जब दुनिया ने पहली बार जाना कि भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम का भी कोई संगठन है। दरअसल 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिड़ला भवन में कथित रूप से हिंदूवादी संगठन से जुड़े नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गांधी की हत्या में संघ का नाम भी उछला, क्योंकि ये आरोप लगा कि नाथूराम गोडसे आरएसएस का पूर्व सदस्य था। गांधी की हत्या के बाद तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस को गैर कानूनी संगठन घोषित करते हुए उस पर प्रतिबंध भी लगा दिया था, लेकिन अदालत में ये साबित नहीं हो सका कि गोडसे संघ का सदस्य था, और सबूतों के अभाव में जुलाई 1949 में संघ से प्रतिबंध भी हटा दिया गया। देश के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस वक्त संघ के सर संचालक सदाशिव राव गोलवलकर को आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बाकायदा एक चिट्ठी भी लिखी थी।
पटेल ने सितंबर में अपने पत्र में लिखा कि आरएसएस के भाषण सांप्रदायिक उत्तेजना से भरे हुए होते हैं। देश को इस जहर का अंतिम नतीजा महात्मा गांधी की बेशकीमती जिंदगी की शहादत के तौर पर भुगतना पड़ा है। इस देश की सरकार और यहाँ के लोगों के मन में आरएसएस के प्रति रत्ती भर भी सहानुभूति नहीं बची है। हकीकत यह है कि उसका विरोध बढ़ता गया। जब आरएसएस के लोगों ने गांधी जी की हत्या पर खुशी का इजहार किया और मिठाइयां बांटी तो ये विरोध और तेज हो गया। इन परिस्थितियों में सरकार के पास आरएसएस पर कार्रवाई करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उधर अदालत में महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे ने दावा किया था कि उसने काफी पहले आरएसएस छोड़ दिया था। यही दावा आरएसएस ने भी किया था, लेकिन महात्मा गांधी की हत्या को लेकर आज भी विरोधी संघ पर सवाल खड़े करते हैं। नाथूराम गोडसे कभी आरएसएस में रहा है, लेकिन जब उसने गांधी की हत्या की उसके कई वर्ष पहले से आरएसएस से उसका संपर्क टूट गया। वो एक स्वयंभू व्यक्ति था, उसके पीछे आरएसएस का दिमाग चल रहा हो ऐसा नहीं था। ये उसका खुद का फैसला था कि गांधी जी की हत्या की जाए, और ये आरोप लगाया गया कि सावरकर ने उसको उकसाया था, ये बिल्कुल गलत साबित हुआ है। अदालत ने भी उसको गलत सिद्ध किया। चाहे गोडसे राष्ट्रीय सेवक संघ का मेंबर अब न रहा हो जब उसने ये मर्डर किया, लेकिन ये याद रखने की बात है कि उन्होंने खुशी बहुत मनाई, गांधी जी के मर्डर पर खुशी बहुत मनाई, और आज वक्त हर आदमी जानता था और हर शहर और कूचे में आबादी उठ रही थी, क्योंकि मैं मौजूद था उस वक्त, कि महासभा संघ वालों को सजा दी जाए। उस संघ से मतलब राष्ट्र सेवक संघ का, हरेक जानता था, क्योंकि उन्होंने हर जगह मिठाई बांटी, और सरदार पटेल ने इस बात का रिकॉर्ड किया, जिसको इन्होंने तरदीद नहीं की, कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं किया कि नहीं साहब हमने ऐसा नहीं। 7 जून को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी शामिल होने जा रहे हैं। इस खबर के सामने आने के बाद से ही देश की राजनीति में तो जैसे घमासान मचा हुआ है। दरअसल कांग्रेस पार्टी को ये कतई मंजूर नहीं कि उसका कोई पूर्व कद्दावर नेता सार्वजनिक तौर पर संघ के साथ खड़ा नजर आए, क्योंकि कांग्रेस शुरू से संघ की विचारधारा के विरोध में खड़ी नजर आई है। तो व्यक्ति विशेष में आज हम संघ पर लगने वाले आरोपों और उसके इतिहास की पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर बीजेपी के इतिहास पर भी डाल लीजिए, ताकि समझा जा सके कि आखिर कैसे राजनीति की बिसात पर संघ ने चली है अपनी चाल। साल 1951 में जब देश में पहले आम चुनाव का ऐलान हुआ था, उसी साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने राजनीतिक दल जनसंघ की नींव डाली थी। जनसंघ के अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और इसका चुनाव चिन्ह जलता हुआ दीपक था। 60 के दशक का ये वो दौर था जब देश की राजनीति में कांग्रेस पार्टी की तूती बोलती थी। जाहिर है इस पहले चुनाव में ही जनसंघ का सूपड़ा साफ हो गया था और उसने महज 3 सीटें जीती थी। साल 1951 में 3, 1957 में 4 और 1962 के चुनाव में जनसंघ 14 सीटें जीती थी, लेकिन फिर 1968 में अचानक जब जनसंघ के अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मौत हो गई तो उनकी जगह अटल बिहारी वाजपेयी को जनसंघ का अध्यक्ष बनाया गया था। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगाई। तमाम राजनीतिक पार्टियों के दफ्तर सील कर नेताओं को जेल में ठूंस दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी दूसरी बार प्रतिबंध लगा और उसके राजनीतिक विंग यानी जनसंघ का भी दफ्तर बंद हो गया। लेकिन इमरजेंसी के बाद जब 1977 में आम चुनाव हुए तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी। दरअसल 1975 में इमरजेंसी लगाए जाने के बाद कई विपक्षी दल जनता पार्टी के झंडे तले एकजुट हुए थे। इसमें जनसंघ का भी विलय हो गया था, लेकिन मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की ये सरकार जल्दी ही दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर बिखर गई थी। जब पार्टी बनी थी हम तब भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे, ये सबको पता था,
और 1970 का चुनाव हम सब लोगों ने लड़ा, हमें आरएसएस के जितने लोग थे उनकी ताकत का सहारा मिला, इसलिए हम जीते, तो हम उनसे ज्यादा क्यों तोड़ेंगे। जनता पार्टी में शामिल जनसंघ के नेताओं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रिश्तों को लेकर जब सवाल खड़े हुए तो जनता पार्टी टूटकर राजनीतिक मलबे में तब्दील हो गई। लेकिन इसी राजनीतिक मलबे में कमल खिला। अटल बिहारी वाजपेयी ने जनसंघ के अपने पुराने साथियों के साथ मिलकर साल 1980 में भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी और इसका चुनाव चिन्ह कमल का फूल रखा गया। बीजेपी आरएसएस का नया राजनीतिक विंग बना, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी ने चंद सालों में ही पूरे देश में पहचान दिला दी। लेकिन बीजेपी के कमल को असली रंगत लाल कृष्ण आडवाणी ने दी। नई दिल्ली में अपनी सरकार बनाना मात्र यह हमारा लक्ष्य नहीं है। हम जब कहते हैं हम राम राज्य बनाना चाहते हैं, तो हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री उसको वहां बिठाना चाहते, यह लक्ष्य नहीं है, यह साधन है, साध्य राम राज्य है। 1986 में आडवाणी ने जब बीजेपी की कमान संभाली तो गुलाबी कमल भगवा हो गया। हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर लाल कृष्ण आडवाणी ने भारतीय जनता पार्टी का दायरा तेजी से फैलाया और इसी के साथ पार्टी की सीरत और सूरत भी तेजी से बदलती चली गई। जनसंघ के दीपक से शुरू हुआ राजनीतिक सफर 30 साल में भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान तक आ पहुंचा था। 1984 के लोकसभा चुनाव में महज 2 सीटें जीतने वाली बीजेपी के लिए अभी सत्ता का लंबा सफर बाकी था। लाल कृष्ण आडवाणी के रथ पर सवार भारतीय जनता पार्टी ने तेजी से कामयाबी की राह पर दौड़ लगाई। 1991 के आम चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी और 1996 के चुनाव में उसने सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हासिल कर लिया था। भले ही 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार महज 13 दिनों में ही ढेर हो गई थी, लेकिन बीजेपी की इस जीत ने उसे पहली बार सत्ता की दहलीज तक पहुंचा दिया था। और 2014 में 282 सीटों के बहुमत के साथ आज देश की सत्ता संघ का वो स्वयं सेवक संभाल रहा है जिसने अपनी जिंदगी का लंबा वक्त संघ के प्रचारक के तौर पर गुजारा है। वत्सले मातृभूमे नमस्ते सदा वत्सले। गुजरात के वडनार में स्कूल के दिनों में 8 साल के नरेंद्र मोदी की शामें अक्सर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखा में ही गुजरती थी। उस टाइम पुलिस ग्राउंड है वडनगर में, वो पुलिस ग्राउंड में हमारी शाखा लगती थी, तो खेलने का बहुत मिलता था हमको। और खेलने के बाद जब बच्चे थक जाते हैं तो उनको बिठा के अच्छे अच्छे देशभक्ति के गीत वो गाते थे और हम भी उनके साथ वो देशभक्ति के गीत गाते थे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का गठन 1925 में महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था और वडनगर में उसकी शाखा 1944 में शुरू की गई थी। लेकिन 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद जब केंद्र सरकार ने संघ पर प्रतिबंध लगा दिया था, तब गुजरात में भी संघ की जड़ें कमजोर पड़ गई थी। करीब 10 साल बाद 1958 में जब बाबू भाई नायक नाम के संघ प्रचारक ने वडनगर में युवाओं को संघ से जोड़ने की मुहिम छेड़ी, तो संघ से जुड़ने वालों में 8 साल के नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। और एक दिन संघ की शाखा में जब नरेंद्र की मुलाकात लक्ष्मण राव इनामदार उर्फ वकील साहब नाम के शख्स से हुई, तो जैसे उसकी दुनिया ही बदल गई। एम वी कामत ने द मैन ऑफ द मोमेंट में लिखा है कि उस वक्त गुजरात में प्रांत प्रचारक रहे वकील साहब से ही नरेंद्र मोदी ने संघ का बुनियादी सबक सीखा था। हमारे संघ में एक प्रचारक पद्धति है जो अपना पूर्ण जीवन संघ के लिए दे देते हैं, तो नरेंद्र भाई के मगज में भी, उनके मन में भी ऐसा विचार आया कि मैं भी प्रचारक हो सकता हूं, उनके दिल में हुआ। और वो धार्मिक वृत्ति तो थे ही। 1948 में संघ पर लगे प्रतिबंध के बाद गुजरात में भी
संघ को दोबारा खड़ा किया गया। संघ के एक प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार ने 30 साल की मेहनत से गुजरात में स्वयं सेवकों की एक बड़ी फौज खड़ी कर दी थी, और संघ की उस फौज में वो स्वयं सेवक भी शामिल था जिसे दुनिया आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से जानती है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आरएसएस से बीजेपी में आए नरेंद्र मोदी को जब 2001 में गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया तो हर कोई हैरान रह गया था, क्योंकि संघ के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब उसका कोई प्रचारक मुख्यमंत्री बना। और इसके ठीक 8 साल बाद संघ ने अपने इस पूर्व प्रचारक के लिए दिल्ली का रास्ता भी साफ कर दिया। भाजपा के काम आज का नहीं, लाखों कार्यकर्ता उनके देश भर है और उन्होंने तपस्या की है, इसके चलते उनकी पुण्याई काम करेगी, ऐसे होता नहीं है। इतने नीचे तक गहराई तक वो काम गया है, गांव गांव में लोग मिलते हैं। अब अगर गांव में कोई व्यक्ति भाजपा के लिए आंखों में आंसू लेके खड़ा है तो उस पार्टी का पतन नहीं हो सकता। जितना होना है उतना होने के बाद भी इट विल राइज फ्रॉम द एशेस आल्सो। साल 2009 में जब मोहन भागवत संघ के सर संघचालक बने थे तब बीजेपी लोकसभा का चुनाव हार गई थी, लेकिन भागवत ने हार नहीं मानी। वो न सिर्फ बीजेपी में जबरदस्त बदलाव लाए बल्कि उन्होंने संघ परिवार को चुनावी जंग में बीजेपी की मदद के लिए तैयार भी किया। 2009 की चुनावी हार के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने इरादे साफ कर दिए थे कि अब आगे पार्टी की कमान आडवाणी की जगह कोई और संभालेगा, लेकिन पार्टी से कल्याण सिंह और उमा भारती जैसे जनाधार वाले नेता पहले ही बाहर हो चुके थे। ऐसे में बीजेपी में नरेंद्र मोदी ही अकेले ऐसे नेता बचे थे जो अपने दम पर भीड़ खींच सकते थे। मोदी गुजरात में बीजेपी को 2 बार जीत भी दिलवा चुके थे। ऐसे में संघ के लिए नरेंद्र मोदी हर एंगल से प्रधानमंत्री पद के बेहतर उम्मीदवार थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के करीब 88 साल के बाद संघ के पूर्व प्रचारक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के पूर्ण बहुमत वाली सरकार भी बनी। लेकिन संघ की कामयाबी के इस शिखर की तली में आरोपों के कई अंधेरे आज भी मंडरा रहे हैं, और मैं और सब ऑपोजिशन के लीडर मिलकर आपको कहते हैं कि बीजेपी को आरएसएस को हम रोकेंगे। जो ये देश के इंस्टीट्यूशन के साथ सुप्रीम कोर्ट के साथ कर रहे हैं इसको हम रोकेंगे, और देश में जो हिंदुस्तान की जनता की आवाज है उसकी हम रक्षा करेंगे। आरएसएस पर विरोधियों का यह सबसे ताजा हमला है। दरअसल भारत को हिंदू राष्ट्र में बदलने के मिशन में लगा संघ हिंदुत्व को धर्म नहीं बल्कि जीवन शैली कहता है, लेकिन व्यवहार में मुस्लिम तुष्टिकरण, धर्मांतरण, गौ हत्या, राम मंदिर, कॉमन सिविल कोड जैसे ठोस धार्मिक मुद्दों पर हमेशा सक्रिय नजर आया है, जो देश में सांप्रदायिक तनाव की वजह बनते रहे हैं। संघ की एक मुश्किल ये भी है कि उसका इतिहास, उसके नेताओं की सोच और व्यवहार लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले आधुनिक भारत के धर्म निरपेक्ष संविधान, कानून, अनूठी सांस्कृतिक विविधता और समाज में बनते नए मूल्यों से बार बार टकराते हैं। आरएसएस पर ये आरोप भी लगते रहे हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ देश की आजादी की लड़ाई में उसका कोई योगदान नहीं है, बल्कि संघ के आदर्श वीर सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगकर अपनी जान बचाई थी। आरोप ये भी है कि संघ ने अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन का भी विरोध किया था। इन्होंने ये कहा था कि ये हमें तिरंगा नहीं चाहिए, हमें भगवा झंडा चाहिए, भारत का झंडा भगवा होना चाहिए। और ये जो नागपुर पे जहाँ इनके हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पर भगवा झंडा 52 साल तक नहीं फहराया गया था, 1943 से लेकर के 52 साल तक नहीं फहराया गया था, 52 साल के बाद फहराया गया। तो ये इनकी देशभक्ति तो ये है कि ये भगवा झंडा हमारा झंडा है, ये तो अब संविधान को भी कह रहे हैं संविधान हमारा नहीं है, हमारा संविधान तो मनुस्मृति है। तो इनके ये तो सारा इतिहास इसमें गवाहियों से भरा पड़ा है। देश के झंडे और संविधान में जो झंडा बनाया है उसका किसने विरोध किया, एक तो उदाहरण बताइए।
वैसे इसका मतलब नहीं समझते हो, क्या आधार है? संघ के पीछे कोई सेना है? मुसोलिनी या हिटलर ही सेना के भरोसे अपनी ताकत बनाते? संघ का माध्यम सेवा है, और मैंने कहा वो शाखा है, शाखा से हम सबको एक लाइन में खड़े करते हैं, पढ़े हो अनपढ़ हो, शिक्षित हो अशिक्षित हो, गरीब हो श्रीमान हो। संघ का एक इतिहास और भी है। मुश्किल हालात में देश सेवा के लिए संघ हर मौके पर खड़ा नजर आया। भारत पाकिस्तान विभाजन के वक्त कश्मीर में स्वयंसेवकों का बलिदान हो, या फिर विभाजन पीड़ितों के लिए राहत शिविर लगाकर समाज सेवा का काम, जंग के मैदान से लेकर प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में भी संघ के स्वयंसेवक हमेशा सक्रिय नजर आए। बावजूद इसके संघ की विचारधारा को लेकर विरोध आज भी बना हुआ है।